वन सिक्स सेवन, ठीक है बेटा, आगे उत्तर। वो सिर्फ 1.67 10 बेस पर -8 बोल रहे हो ना? सर। नहीं, 1.6 इनटू 10 रेज टू पावर नो -8। प्रॉब्लम, -8 ही है ना बेटे। यस सर। आगे बोलिए बेटा। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम? रेजिस्टेंस 10 ओम का ये बनाना, यही है ना बेटा? सर आगे भी है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड? डायमीटर इज डबल बेटे, यस सर। तो कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा? ठीक है बेटे, ठीक है। सो देखिए बेटे, मैं एक बार ये न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं कैसे करना है आपने। इसमें डियर चिल्ड्रन, आपका जो फर्स्ट पार्ट है न्यूमेरिकल का, यू इंटेंड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर नीडेड फॉर द सेट पर्पस बेटा। और इसके लिए आप अच्छे से जानते हैं रेजिस्टेंस आर जो है, दिस इज रो इनटू एल बाय ए, इसके बराबर हुआ करता है। अब यहाँ पे ये आपका एमएम में है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा। दिस इज 0.5 इंटू 10 बेस पर -3 मीटर्स, या आप इसको 5 इंटू 10 बेस पर -4 मीटर्स लिख सकते हो बेटा। अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज दिस बेटा। और आपको डायामीटर दिया हुआ है, रेडियस गिवन नहीं है। एरिया को आप बेटे रो एल बाई पाई आर स्क्वायर लिखा करते हो। आर को आप बेटे डी बाई टू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आर इट इज रो एल पाई डी बाई टू का स्क्वायर। आर दिस इज इक्वल टू 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। ये बेटे अब आपका सीधा सीधा डायामीटर की टर्म्स में जो है ये बन जाता है एक्सप्रेशन। सिंपली वी बिकॉज वांट टू कैलकुलेट दिस एल, एल आपके पास आ जाएगा पाई डी स्क्वायर इनटू आर अपॉन 4 इनटू रो। जरा चेक कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटे साथ साथ। और अब हम बेटे वैल्यूज पुट कर देंगे। दिस इज 22/7 फॉर दिस पाई बेटा। और इसके बाद हमारे पास डी डायामीटर का स्क्वायर 5 इन, ये -4 आएगा बेटे, ये -4 अगेन 5 इंटू 10 बेस पर -4। रेजिस्टेंस आर इज गिवन टू बी 10 ओम टू यू इन द स्टेटमेंट पार्ट। इन द डिनोमिनेटर आपके पास 4 एज सच पड़ा है। रेजिस्टिविटी रो दिस इज गिवन टू बी 1.6 इंटू 10 डेज पर -8। बेटे यू ऑल माइट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस विद यू, जरा कैलकुलेट करके बताइए सारे स्टूडेंट्स उत्तर। ऑल ऑफ यू इसको कैलकुलेट करके बताइए। जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा है, आई हैव नो आंसर विद मी बिकॉज ये आपका क्वेश्चन है, आप एक बार कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए। आई विल बी राइटिंग दिस आंसर। सेकेंड स्टेप में, दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या कहा है आपको कि अगर डायामीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस जो है उसकी आपको कितनी बेटे रेजिस्टेंस न्यू निकालना था, आई थिंक यही था ना बेटे। सो आर दिस इज इक्वल टू रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये आपने ये कर रखा है। अब आपका जो हो नए वाला बेटे, यहाँ पर डायामीटर है डी डैश जो है इट इज 2 टाइम्स डी है। सो आर डैश विल बी इक्वल टू 4 रो एल बाई पाई इट इज डी डैश का स्क्वायर बेटे, 4 डी का स्क्वायर आ जाएगा। सो आर डैश इट विल बी 1/4, ये 4 को मैं अलग निकाल रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, 1/4 ऑफ 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। सो आर डैश आपका 1/4 टाइम्स आर हो जाएगा।
जरा चेक कर लीजिए, अरमान 7.825 है कि 78 है, कुछ चेक करके देखना जरा अरमान। ये तो चलो आपकी जीरोस कट गई हैं ऐसे ही, और ये टाइम को भी देखना साथ ही, देखिए करके। हाँ जी बेटे, हाँ जी बेटे, करके देखिए प्लीज ऑल ऑफ यू। धवनेश 122.72, बाकी बच्चे एक बार चेक कर लो उत्तर, इज इट देयर और समथिंग अदर इज देयर। सो ये आप खुद चेक कर लेना बेटे, मुझे आंसर इसका मैंने नहीं देखा है। और अर्शीन बेटे मैच करके देखिए, इज इट देयर और नॉट। अर्शीन कौर ओके, अर्शीन कौर ओके बेटा नाइस। सो इसको बेटे कर लीजिए अकॉर्डिंगली, कैलकुलेशन है सिंपल आप कर लेना, जिनका हो गया है बड़ी अच्छी बात है, जिनकी कैलकुलेशन रहती है वो आप बेटे करके कंप्लीट कर देना। आइए बेटे आगे चलें, आई हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल दैट। आइए बच्चों देखें सॉल्व करके क्या है और कैसे हम इसको सारे को बेटे कर सकते हैं। लेट अस बेटे कंसेंट्रेट। एक बेटे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, छोटे छोटे ही है वैसे तो। क्वेश्चन है बेटा न्यूमेरिकल की फॉर्म में है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए कंडक्टर। मैं लिख देता हूं बेटे पूरा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए कंडक्टर इन 0.2 seconds, इन 0.2 seconds इफ द करंट पासिंग थ्रू, इफ द करंट पासिंग थ्रू इट, इफ द करंट पासिंग थ्रू इट इज 0.5 amperes। बच्चों स्टेटमेंट पार्ट को ध्यान से देखिएगा, आपको एक टाइम दिया गया है, एक करंट दिया गया है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास करेंगे कंडक्टर में से, इस चीज को बेटे वर्कआउट करने के लिए कहा गया है। एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड बेटा? आदित्य नरोला, आदित्य शर्मा, अंकिता, अरमान, अर्शीन, चंद, धवनेश, दीक्षा, दीविता, सबका नाम नहीं मैं ले पा रहा हूं बेटा। कौन सा फॉर्मूला बच्चों यूज करें यहां इसके लिए हम? दीक्षा चंद बेटे क्यों नहीं पूछा हुआ उन्होंने? हाँ जी ये यूज करेंगे फ्रेगमेंटेड, ठीक है आपकी बात। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, यस इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड Q इज इक्वल टू एन इन टू ई, ये दोनों यूज करने पड़ेंगे हमें। और यहाँ पे Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, ये वैल्यू आई विल बी इक्वल टू एन इन टू ई अपॉन टी। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा ये वर्कआउट करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी आई इन टू टी बाई ई। बेटे सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन करिए वैल्यूज का और इसको बेटे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वी विल हैव एन टू बी इक्वल टू आई 0.5 amperes, टी 0.2 seconds, ई इट इज बेटे 1.6 × 10⁻¹⁹, एम विल बी इक्वल टू बेटा 5 × 2 = 10, 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, डिवाइडेड बाई 1.6, 10⁻¹⁹ ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 × 10⁻², 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाई 1.6, इट विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, और इट विल बी 1 बाई
1.6 10 base power 17. It is your beta 0.625 होता है, I think. आप एक बार चेक करके देखिएगा. और m will be equal to 6.25 into 10 base power 16. जरा बेटे कैलकुलेशन आप लोग भी चेक करके देखिएगा कि whether you are getting this or not बेटे. इसको उत्तर एक बार चेक करके देखिएगा सबका ये आ रहा है कि नहीं. ओके बेटा, फिर भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं. 5 2s are 10 ये बन गया आपका, और 1.6 ये प्लस हो गया. इसको आपने लिखा 10 power -2, ये ऐसे ही रह गया, ये ऐसे आ गया. और 17 और बेटे इसको आप पावर, ठीक है बेटे, अकॉर्डिंगली यू कैन राइट बेटे राइट. ठीक है जी बेटे. सो डियर चिल्ड्रन आइए आगे चलें. अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप भी करिएगा, कुछ मिलता जुलता होगा बेटा. आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग नोटबुक पेन एंड कैलकुलेटिंग डिवाइस विद यू. सो आइए बेटे प्रोसीड करें फर्दर विद द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट. आइए बच्चों देखिए, क्वेश्चन इज बेटे न्यूमेरिकल की फॉर्म में है अगेन. 1.6 इंटू 10 रेस पर माइनस 19 कूलम. 1.6 into 10 base power minus 19 coulomb charge flows through a conductor. Coulomb charge flows through a conductor. Through a conductor in 10 base power minus 10 seconds. Find the current flowing through the conductor, beta. Find the current flowing through the conductor. ये बेटे आपको कैलकुलेट करना है. Yes, बेटे make calculation all of you, beta. चार्ज आपके पास है, टाइम आपके पास है, सिंपली कैलकुलेशन इज नीडेड. कितने एम्पियर बनेगा चेक करके देखिए बेटा. यस अरमान ठीक लग रहा है बेटा, गुड. आई दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं डियर चिल्ड्रन. 1.6 10 days per minus 19 10 days per minus 10 बेटा, तो पावर ही एडजस्ट करनी है. बिल्कुल ठीक बेटे, बिल्कुल ठीक. 1.6 10 days per minus 9 amperes. तो ये आपके पास बेटे करंट जो है ये निकल आता है. एक और सिमिलर टाइप का है डियर चिल्ड्रन, आइए इसको भी कंप्लीट करके देखें. Let us बेटे focus. We have a next point in the form of numerical ones again. This is बेटे a current of 0.5 ampere. A current of 0.5 ampere passes through a conductor in 2 seconds. Passes through a conductor in 2 seconds. How many electrons
flow through the conductor, flow through the conductor from one end to another end, from one end to another end during this time interval. तो ये आपको बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वंस अगेन वर्कआउट करने हैं, बिल्कुल सेम तरीका जो आप अभी अभी कर रहे थे बेटा, कोई डिफरेंट नहीं है. जस्ट मेक कैलकुलेशन ऑल ऑफ यू बेटा एंड चेक व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी. सारे स्टूडेंट्स उत्तर करके देखिएगा कि कितना आंसर आपका जो है ये बन रहा है. ऑल ऑफ यू प्लीज चेक. आई यस यस अरमान हैज कैलकुलेटेड. ठीक है बेटे, करेक्ट आंसर अरमान, वेरी गुड. बाकी स्टूडेंट्स भी करके देखिए बेटा, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्कआउट करने हैं. बेसिक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए. आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बट इट इज गिवन टू यू दैट क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई. एन यू आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एन इन टू ई बाई टी. N, this is equal to I into T by E. So, dear children, simply values put करिए और देखिए कि आपके पास what it is turning out to be. फिर आगे चलते हैं बेटा. बिल्कुल ठीक है सीन कौर, right बेटा, right right, good बेटे good. So students have calculated this to be equal to 6.25 into 10 this one 18. सारे बच्चे आंसर मैच कर दीजिएगा बेटा, मुझे ठीक लग रहा है ये आंसर बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एक बेटे बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप का और प्रॉब्लम है मैं लिख रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है बेटा. और आइए देखिए बेटा, इट इज गिवन दैट बेटा टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज गिव इफेक्टिव रेजिस्टेंस 10 ओम. And a resistance of 2.4 ohm when connected in parallel. Calculate the individual resistances or find each रेजिस्टेंस बेटा. ये बच्चों आपको फाइंड आउट करना है, तो मुश्किल नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, लेकिन बाकी डायरेक्टली आपका कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा. ट्राई करके देखिएगा. आई विल आल्सो बी सॉल्विंग दिस, फिर आप बेटी इसको मैच करिएगा. ऑल ऑफ यू बेटा, चंक, धवनेश, दीक्षा, देविता, जपलीन, जपजोत, जयदित्य, ज्योत्सु, केशव, नैना, पाठ, प्रभगुण, प्रभनूर, हाँ जी बेटे, हर्ष, रवनीत, राहुल, सिमरलीन, तनुष्का, हाँ जी बेटे. चंक, क्वेश्चन है कि जब आप दो रेजिस्टेंस को बेटे सीरीज में लगा देते हो तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाता है, और जब आप पैरेलल में लगा देते हो तो इट इज 2.4 ओम. आपको हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है कि कितनी है.
फिर से सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज गिव अस एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल दे गिव अस एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2.4 ओम. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस बिटवीन. सारे स्टूडेंट्स एक बार करके देखिएगा, आपको आर सीरीज में 10 ओम दिया गया है, आर पैरेलल में 2.4 ओम दिया गया है, आपको आर वन फाइंड आउट करना है, आपको आर टू फाइंड आउट करना है. एक दो मिनट लगाइए बेटा, आई विल आल्सो बी सॉल्विंग दिस, आप भी ट्राई करिए, फिर बेटे हम मैच कर लेते हैं अपने ओपिनियन क्या है और क्या आपने आंसर्स निकाले हैं. आप ट्राई करिए सारे स्टूडेंट्स के. इमानी, गरिमा, हाँ जी बेटे, अरमान हो रहे हैं कि नहीं? अरमान अरमान नहीं हो रहा, क्यों, क्या बात है अभी अरमान? वाई की सो. चलिए एक मैं कर देता हूं, फिर आप देखिएगा. इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हमने आर वन एंड आर टू मान लिए कि दो हमारे लिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं. सीरीज में आप जब लगाओगे आर वन प्लस आर टू दिस इज इक्वल टू 10 आपको दिया हुआ है इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. सेकेंडली आपको उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि जब आप इनको पैरेलल में लगा रहे हो 1/R1 + 1/R2 दिस इज 1/2.4 इसके बराबर है. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/R1 + 1/R2 इज 10/24. मैंने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया. आर टू की वैल्यू यहां से मैं निकाल लेता हूं, आर टू विल बी इक्वल टू 10 - R1, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए. सो यू विल गेट 1/R1 + 1/10 - R1 दिस इज इक्वल टू 10/24. बेटा एलसीएम ले लीजिए लेफ्ट साइड पे, इट विल बी आर वन 10 - R1 + R1 = 10/24. चेक करिएगा साथ साथ, यू आर गेटिंग इट और नॉट. आर वन से आर वन आपका कैंसिल आउट होगा, 10/R1 - 10 - R1 दिस इज 10/24, 10 गेटिंग कैंसिल्ड. 1/10R1 - R1 का स्क्वायर इज 1/24. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 इज इक्वल टू 10R1 - R1 का स्क्वायर. इनको उठाकर इधर ले आइए टर्म्स को, आपके पास आ जाएगा R1 - 10R1 + 24 = 0. और आइए आगे सॉल्व करने की कोशिश करें इसको. एलसीएम लेने के बाद क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक के रूट्स के लिए आप R1 - 6R1 - 4R1. आई थिंक आप ऐसे ही मैथमेटिक्स में करते हो पुत्र. अरमान, अदिति, नरुला, आदित्य शर्मा, अंकिता, अरमान, अर्शीन, चंद, दवनेश, ऐसे ही आप फैक्टराइजेशन करते हो पुत्र जी, गुड. चलिए फिर आगे चलते हैं. देन बेटे ये आपके पास आ जाएगा जी R1 - 6 - 4 - 6 = 0. R1 - 6 आपने कॉमन लिया, R1 - 4 = 0. इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है,
R1 minus 6 will be 0, R1 minus 4 will be 0, either this or this. और यहाँ फिर आपका R1 6 ओम आ जाएगा या R1 आपके पास 4 ओम आ जाएगा. अगर R1 इतना है यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास R2 जो है इट विल बी 4 ओम. अगर R1 4 है R2 विल बी 6 ओम. सो ये आपके बेटे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आप इस तरीके से निकाल सकते हो. डियर चिल्ड्रन, किसी भी स्टूडेंट को कोई बात नहीं पता चली, यू आर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू. बेटा इन सारे स्टेप्स को देखिए ब्रीफली और बताइए. अरमान, अरमान इज सेइंग दैट इट्स क्लियर नाउ, ऑल क्लियर नाउ, वेरी गुड बेटा. चलिए फिर बेटे एक आगे और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. शुड आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन बेटे नाउ? हाँ जी बच्चों, आगे लिखूं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला बेटे? ओके जी चंक, चलिए जी स्टार्ट करते हैं. इसके बाद हमारे पास बेटे है एक नेटवर्क आपको रेजिस्टेंस का दिया हुआ है, थोड़ा अलग सा लगा था इसलिए मैं बना रहा हूं, और आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है सर्किट में. Let me draw this data. So, network of the resistors is given to you, beta. ये कुछ इस तरीके का है. This is a battery given to you, and over here, ये आपके पास one resistor, another resistor. And still another resistor this way. इनके across एक resistor यहां पे लगाया गया है ऐसे. और बेटा then आपको ये resistor एक यहां पे भी दिया गया है. This is values आपको जो given है बेटा, this is 4 volt, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 3 ओम, दिस इज 4 ओम. आपको बेटे इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकालना है और बच्चों आपको करंट इन द सर्किट, टोटल करंट निकालना है. मैं रिपीट करूंगा, 5, 10, 3, 5 एंड दिस इज 4 ओम बेटा. ये चीज आपको दी गई है, आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो ढूंढना ही ढूंढना है, साथ में आपने बच्चों करंट की वैल्यू भी वर्कआउट करनी है सर्किट में कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है. सो ट्राई दिस विद ऑल ऑफ यू. सारे स्टूडेंट्स बेटे ट्राई करिएगा कि कितना आ रहा है ये. अरमान, शंक, दीक्षा, दीपिका, अर्शीन, करिए बेटे और बताइए कितना आपका आंसर आ रहा है. आई विल ऑल्सो बी सॉल्विंग इट इन द एंड बेटे. यस डियर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू कम अप विद द आंसर्स. चंक बेटा, इज इट बीइंग सॉल्व्ड और नॉट? रोल नंबर 9, 10th क्लास चंक. चंक नहीं बोल रहा आज. ओके नाइस, वेरी गुड. करिए 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 बेटे करिए, गुड ठीक है, करते जाइए. Nana has calculated it to be 0.68 ampere. Dear Nana, what is resistance? Aditi 11 ohm. Aditi Nirula. Nice. Arman ka resistance alag aa raha hai beta.
सबका आंसर अलग अलग नहीं आना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। चेक करिए सारे स्टूडेंट्स, मैं करता हूं आप ही देखो। पहले तो ये दोनों पैरेलल में आपके हैं, तो यू विल से दैट 1 बाई आर डैश इज 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10, दिस इज 10, 5 टूज आर 10, 10 वन्स आर 10, 3 बाई 10, एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दोनों का 10 बाई 3 ओम आपको मिल गया। चेक करिएगा साथ साथ बेटा, ये दोनों पैरेलल में हैं, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास 10 बाई 3 आ गया, वो 10 बाई 3 इस 5 के साथ सीरीज में है, एंड आर डबल डैश इसको मैं कह देता हूं 10 बाई 3 प्लस 5, दिस इज 10 प्लस 15 बाई 3, 25 बाई 3 ओम, ये अब आपका इतने हिस्से का रेजिस्टेंस बन गया, ये 3 ओम के साथ पैरेलल में है, तो यू विल गेट 1 बाई आर ट्रिपल डैश 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 25 बाई 3, और ये आ जाएगा 75 9 34 बाई 75 और ट्रिपल डैश 75 बाई 34, राइट बेटा, ये यहां तक हो गया, ये 4 के साथ अब आपका सीरीज में है, आर इफेक्टिव बन गया 75 बाई 34 प्लस 4, दिस इज 34, 75 प्लस 136, इट इज 211 बाई 34। उत्तर चेक करके बताइए। हाँ जी बेटी, 6.2 चेंज ने निकाला है, चेक करिए बेटी इतना ही आ रहा है सारे बच्चों उत्तर जी, ऑल ऑफ यू चेक करके बताइए डियर चिल्ड्रन वेदर यू आर गेटिंग सेम और नॉट। ओके नाइस, तो करंट के लिए आपका करंट आई जो है वोल्टेज 4 वोल्ट है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 211 डिवाइडेड बाय 34, आई विल बी 136 बाई 211 एम्पियर। इसको डियर चिल्ड्रन कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा कि कितना आता है। सो इन दिस वे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा मुझे डिफरेंट दिखा था इसलिए मैंने लिख दिया कि चलिए बच्चे करके देखेंगे ट्राई इसको। सो बेटे एनी अदर पॉइंट? ओके नाइस बेटे, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू बेटे ऑल।